हेलो स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट का मोशन और इमेज का जो मोशन होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, जैसे कि प्लेन मिरर में भी पूछा जाता है और कर्व मिरर में भी पूछा जाता है, लेंस में भी पूछा जाता है। इनफैक्ट रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस हो, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस हो, उसमें भी ऑब्जेक्ट और इमेज का जो मोशन होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो आज हम लोग प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है, प्लेन मिरर जो है किसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाता है उनके मोशन में जो रिलेशन होता है उसको समझने की कोशिश करें, है ना। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक प्लेन मिरर दिखाया गया है ना, और प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया है और उतने ही डिस्टेंस पीछे एक इमेज बन रहा है ना। तो ये हम लोग पहला केस ले रहे हैं जिसमें कि ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर मोशन कर रहा हो, है ना। ये पहला केस हम लोग पढ़ेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू मिरर। हम लोग वो वाला केस भी पढ़ेंगे जिसमें कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के परपेंडिकुलर नहीं मूव कर रहा होगा। तो ये पहला केस है जिसमें कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही जो है वो प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर मूव करेंगे, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है इसका पोजीशन मैं मान लेता हूँ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, मतलब मिरर को मैं स्टेशनरी मान रहा हूँ, इसलिए मिरर के रेस्पेक्ट में मैं ये पोजीशन ले रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब हमारा जो ओरिजिन है वो मिरर पर है, यहाँ पर ओरिजिन है, ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ से ये हमने पोजीशन ले लिया ऑब्जेक्ट का, और उसी तरह से इमेज का पोजीशन हो जाएगा एक्स आई एम, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जो मिरर है वो भी मूव कर रहा हो, इसलिए ये रिलेटिव पोजीशन लेना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं पोजीशन ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। ये वेक्टर फॉर्म है, चूंकि पोजीशन है इसलिए निगेटिव क्यों है, क्योंकि मिरर के पास जो ओरिजिन है एक पॉजिटिव साइड में है तो दूसरा निगेटिव साइड में, इसलिए हम माइनस साइन आए। अगर मैं पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करूँ तो वहां से मुझे वेलोसिटी मिल सकता है, ठीक। तो डिफरेंशिएट करते हैं, ये पोजीशन ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इसको डिफरेंशिएट करते हैं पहले, तो राइट हैंड साइड में ये आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, और इसको हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब खास बात यह है कि जब पोजीशन को डिफरेंशिएट किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है ना, हमें वेलोसिटी मिलता है। तो यहाँ पर ये जो पोजीशन है इसको डिफरेंशिएट किया गया है तो ये क्या बताएगा, क्योंकि इमेज के पोजीशन को डिफरेंशिएट किया गया है तो इमेज की वेलोसिटी हमें यहाँ से मिलेगा, तो ये देगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। ये वाले को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, है ना, वेक्टर लगा देते हैं, इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ, ये जो है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को डिफरेंशिएट किया गया है टाइम के रेस्पेक्ट, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि पोजीशन मिरर के रेस्पेक्ट में था तो ये वेलोसिटी भी मिरर के रेस्पेक्ट में होगा, है ना। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि ऑब्जेक्ट और इमेज का जो वेलोसिटी होता है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है मिरर के रेस्पेक्ट में, मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है क्योंकि आगे माइनस साइन है, यानी अगर ऑब्जेक्ट इधर चल रहा होगा राइटवर्ड डायरेक्शन में, मिरर के पास में आ रहा होगा, तो इमेज इधर जा रहा होगा लेफ्ट में अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये भी मिरर के पास में जाएगा। हमें पता है किसी भी इंस्टेंट पर मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और मिरर से इमेज का डिस्टेंस इक्वल होता है, वो इक्वल तभी होगा जब एक एक मिरर के पास में जा रहा हो तो दूसरा भी मिरर के पास में जा रहा हो, है ना। और इसीलिए ये कंडीशन जो है यहाँ पर आता है।
तो अब जो है हम लोग इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नीचे क्वेश्चन को मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे ये जो क्वेश्चन है इसमें एक रिक्शा दिया गया है। ये एक रिक्शा है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। पीछे एक मोटरसाइकिलिस्ट है, मोटर बाइक को जा रहा है 60 मीटर पर सेकेंड से। अब ये जो रिक्शा है पीछे यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है, ठीक है, पीछे मिरर लगा हुआ है जिसमें कि रिफ्लेक्टिंग फेस वो इधर की साइड में है। तो ये जो मोटरसाइकिलिस्ट है अपना इमेज इस मिरर में देख रहा है। ऐसे कह सकते हैं कि ये एक तरह से मिरर हो गया जिसका सिल्वर्ड फेस जो है इधर है और रिफ्लेक्टिंग फेस इधर है। ठीक, तो पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में देखेंगे। कहा गया है कि रिक्शा, यहाँ पर देखें, रिक्शा विथ प्लेन मिरर ट्रेवल्स विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एंड मोटर बाइक अप्रोचे द रिक्शा विथ स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट एज सीन बाई हिमसेल्फ एंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये जो मोटरसाइकिलिस्ट है ये इस मिरर में अपना इमेज दिख रहा है ना, ये मिरर में अपना इमेज देख रहा है। तो ये खुद भी देख रहा होगा और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर रोड पर खड़ा होगा तो वो ही इसका इमेज देख रहा होगा। तो इमेज का जो वेलोसिटी है वो इस मोटरसाइकिलिस्ट के रेस्पेक्ट में भी बताना है और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी बताना है, ठीक है। तो पहला चीज जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर निकाल लेते हैं। जैसा कि ऊपर हमने फॉर्मूला पढ़ा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, है ना। इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है तो पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, फिर उतना ही हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, है ना। तो ये हम लोग यहाँ पर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, मोटरसाइकिलिस्ट, क्योंकि उसी का इमेज वो मिरर बना है ना। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो +60 लेंगे, इधर को मैं राइट वर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहा हूँ और लेफ्ट वर्ड को निगेटिव। तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है 60 और मिरर, मिरर किस वेलोसिटी से जा रहा होगा, जिस वेलोसिटी से रिक्शा जा रहा है। तो रिक्शा का वेलोसिटी जो है वो भी 10 है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसको ले लेंगे 10। तो ये हो गया 50 मीटर पर सेकेंड, 60 में से 10 माइनस कर दिया तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, है ना। तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं ऊपर वाला, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर पता है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर भी पता हो जाएगा, केवल आगे साइन उल्टा लगा देना है या यूं कहें कि उसका डायरेक्शन चेंज कर देना है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही आएगा, है ना। तो क्या होगा यहाँ पर इसमें देखेंगे, तो इधर जो इमेज बन रहा होगा मोटरसाइकिलिस्ट का वो इमेज इधर जा रहा होगा 50 मीटर पर सेकेंड से, है ना। इधर इसको सोल्व करते हैं क्लीन जगह पर, जैसे कि ये सपोज मिरर हो गया, तो मिरर के रेस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट है वो जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। तो जो इमेज होगा वो उल्टा चल रहा होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर ये भी 50 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होगा, अपोजिट में जा रहा है इसलिए निगेटिव, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, अगर हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें पता चल गया कि जो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर है वो निगेटिव डायरेक्शन में है और कितना है 50 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें नहीं पता है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमें नहीं पता है,
ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूछा गया है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड करेंगे, और वेलोसिटी ऑफ मिरर हमें पता है +10 है ना, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालेंगे तो क्या होगा, 10 को उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा -40 मीटर पर सेकेंड। ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हो गया, यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेफ्ट में जा रहा होगा और 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा होगा। ठीक, अब ये पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन बाई मोटरसाइकिलिस्ट हिमसेल्फ, यानी ऑब्जेक्ट खुद का इमेज देख रहा है। मोटरसाइकिलिस्ट क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट है, वो अपना ही इमेज खुद देख रहा है, यानी हमें पता करना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे लिखेंगे। वेलोसिटी ऑफ इमेज हमने निकाला है -40, और वेलोसिटी ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो है +60 है ना, ये +60 और ये -40 है ना, इसके जगह पर -40 रखा, वीओ के जगह पर -60 रखा हमने, माइनस तो ये जो साइन है उसकी वजह से है, माइनस साइन है, तो ये आ गया -100 मीटर पर सेकेंड। तो जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो खुद का इमेज इस स्पीड से अपने पास में आता हुआ दिखेगा, माइनस का मतलब इधर ही जा रहा होगा है ना, और रोड पर जो आदमी खड़ा होगा, रोड पर जो जो खड़ा होगा उसको दिखेगा कि 40 मीटर पर सेकेंड से ये इमेज इधर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से सही तरीके से साइन कन्वेंशन यूज करना है और रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला यूज करना है, तो हम लोग ये जो स्पीड है ऑब्जेक्ट का और इमेज का ये पता कर सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से मैं बता सकता हूँ, स्पेशली जो रिलेटिव है, कि ऑब्जेक्ट जा रहा है एक तरह से 50 मीटर पर सेकेंड से, इमेज भी जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे के निकालेंगे तो ये दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, 50 + 50 100, यानी 100 मीटर पर सेकेंड से ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होंगे, जो कि यहाँ पर आया है न्यूमेरिकली, यहाँ पर आया है वो हमने ऐसे जो है मतलब कि समझ करके लॉजिकली कैलकुलेट कर लिया, 50 इधर से और 50 उधर से अपोजिट डायरेक्शन से, तो रिलेटिव वेलोसिटी में क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, 50 + 50 100, तो वो लॉजिकली आ गया 100, और यहाँ पर एक्चुअल फॉर्मूला लगाया हमने तब जा करके 100 आ गया। ठीक, तो ये तो हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर चल रहा हो तो क्या होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर नहीं चल रहा है ना, तो दूसरा जो केस है वो ये है, व्हेन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट परपेंडिकुलर टू मिरर। ठीक है, देखें यहां पर मैंने फिगर बनाया हुआ है, तो फिगर में एक मिरर है, ऐसा मान लेते हैं कि जो मिरर है वो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, ध्यान रखना है कि ये प्लेन मिरर है तो एक प्लेन में होगा है ना, तो वाई जेड प्लेन में है, जैसे यहाँ पर एक एक्सिस भी दिखाया मैंने, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है ना, तो ये जो वाई जेड प्लेन बनेगा ना ऐसा कुछ ऐसे ये वाला, इसी प्लेन के पैरेलल ये मिरर होगा, यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे कुछ होगा ये। ठीक है, तो एक्स एक्सिस जो है वो बिल्कुल मिरर के परपेंडिकुलर है ना, तो जब इसका इमेज बनेगा, इस मिरर में इमेज बनेगा, तो क्या होगा, जो डायरेक्शन मिरर के परपेंडिकुलर है वो रिवर्स हो जाता है ना। अगर आप मेरा पुराना जो वीडियोस देखेंगे, जो कि मैंने ग्रीन बोर्ड पे पढ़ा रखा है, बहुत सारे बच्चे ऐप पे देख रहे होंगे या वीओडी पर देख रहे होंगे या यूएसबी से देख रहे होंगे, तो आप उसमें देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है कि जो प्लेन मिरर है वो अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है, पैरेलल डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करता है ना, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन इसमें कौन सा है, एक्स, तो उसके इमेज को वो रिवर्स कर देगा, यानी इस तरह से इधर दिखेगा, बाकी वाई और जेड में कोई चेंज नहीं आएगा, वाई वैसे ही जेड ऐसे ही। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मतलब किसी एंगल पर जा रहा होता है ऐसे इधर वेलोसिटी से,
तो इसके तीन कंपोनेंट हो सकते थे, एक इधर और एक इधर, है ना। तो ऐसे समझे कि इधर जाने का मतलब कि मिरर के पास में जा रहा है, तो इसका इमेज भी मिरर के पास में आएगा, उल्टा चलेगा। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ये जो मिरर है मिरर के पैरेलल ऊपर जा रहा है, तो इमेज भी उतनी ही वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, है ना। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी। उसी तरह से अगर जेड डायरेक्शन में, जो कि मिरर के पैरेलल है, अगर जेड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो उसका इमेज भी जेड डायरेक्शन में उतनी ही वेलोसिटी से जाएगा, है ना। तो जेड डायरेक्शन वाला कॉम्पोनेंट भी चेंज नहीं होगा। तो अगर ऐसा कहा जाए कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, अगर ये ऐसा दिया हुआ है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप वी जेड के कैप, अगर ये वेलोसिटी दिया गया है ऑब्जेक्ट का, है ना, जो कि मिरर के रेस्पेक्ट में, ध्यान रखना है मिरर को स्टेशनरी मानेंगे तब जब उसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे। ऐसा हो सकता है कि जो मिरर है वो खुद भी ट्रेवल कर रहा हो, तो उसकी वेलोसिटी को भी इसमें काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इधर आया वी एक्स, तो इधर इमेज का वेलोसिटी वी एक्स है उल्टा हो जाएगा, बाकी में कोई चेंज नहीं। अगर इधर वी वाई है तो इमेज भी उधर वी वाई से ही जाएगा, अगर इधर वी जेड है तो इमेज भी इधर वी जेड से ही जाएगा। तो वाई और जेड डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होती, लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला जो वेलोसिटी है वो चेंज जाता है। तो अगर हमें निकालना हो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो क्या करेंगे, केवल परपेंडिकुलर डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, माइनस वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, है ना। केवल परपेंडिकुलर डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है उसको रिवर्स कर देना है, तो मिरर के रेस्पेक्ट में इमेज की वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक। इससे रिलेटेड भी हम लोग एक क्वेश्चन को कर लेते हैं, देखें यहाँ पर, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, कि ये प्लेन मिरर है यहाँ पर ये, और इसके सामने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है जहाँ पर ऑर्बिट रखा है, और 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है एट द एंगल 37 डिग्री, है ना। और जो मिरर है, मिरर भी चल रहा है 45 डिग्री के एंगल पर, ठीक है, 5√2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। अब मिरर के पास ओरिजिन लिया गया इधर एक्स डायरेक्शन और मिरर के पैरेलल वाई डायरेक्शन, तो पूछा क्या गया यहाँ पर, देखें, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर एंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले वेलोसिटी को रिजोल्व करके कंपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखना था वैसे लिखते हैं, है ना। तो 10 का कंपोनेंट इधर आएगा 10 cos 37 डिग्री, जो कि आएगा 8 मीटर पर सेकेंड। इसी का कंपोनेंट अगर ऊपर निकालेंगे तो ये आएगा 10 sin 37 डिग्री, ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, मिरर की वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालते हैं, इधर आएगा 5√2 cos 45, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। इसी का कंपोनेंट मिरर के पैरेलल निकाल लेंगे तो 5√2 sin 45, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आया, ये आ गया 8 आई कैप, एक्स डायरेक्शन में है, और 6 जे कैप, ये वाई डायरेक्शन में है। उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ मिरर देखें तो ये हो गया 5 आई कैप, एक्स डायरेक्शन में 5 है और निगेटिव वाई डायरेक्शन में है, y हमने पॉजिटिव ऊपर लिया हुआ है, तो मिरर नीचे की तरफ जा रहा है 5 से, इसलिए -5 जे कैप, है ना, -5 जे कैप इसको लिखा जा सकता है। तो मिरर की वेलोसिटी पता है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पता है, तो हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, जो कि होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, है ना। तो रखते हैं,
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आया है अपना 8i कैप प्लस 6j कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर आया है 5i कैप माइनस 5j कैप। अगर इनको देखें तो 8 माइनस 5 ये हो गया 3i कैप और 6 माइनस माइनस प्लस 5 यानी कि प्लस 11j कैप ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर ये है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर क्या होगा? केवल एक्स डायरेक्शन को रिवर्स करना है। आप फिगर देखेंगे तो एक्स डायरेक्शन जो है वो मिरर के परपेंडिकुलर है, और हमने क्या कहा कि जो डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो मिरर के उसका उस कंपोनेंट को रिवर्स करना है। जैसे यहाँ पर एक्स परपेंडिकुलर था तो एक्स वाले कंपोनेंट को हमने रिवर्स किया, ठीक है, वो भी मिरर के रिलेटिव में वेलोसिटी निकालने के बाद। तो यहाँ भी हमने मिरर के रेस्पेक्ट में निकाल लिया है, ठीक है, ये मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। तो मिरर के रेस्पेक्ट में इमेज की वेलोसिटी हो जाएगा -3i कैप और +11j कैप। परपेंडिकुलर वाला रिवर्स कर दिया और पैरेलल वाला हमने कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। तो एक तो आ गया, एक पूछा गया था वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, यहाँ पर देखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू मिरर पूछा गया था, तो वो आ गया। अब हमें पता करना है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर जो है इसको मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर यहाँ से रख सकते हैं -3i + 11j इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, तो वो रख देते हैं 5i कैप माइनस 5j कैप, है ना, ये हो गया। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे, ठीक है, ये क्या था वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर था। तो यहाँ से अगर मुझे वी आई निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, इसको मैं ले जाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो -3i + 11j + 5i - 5j इज इक्वल टू वी आई, है ना। तो यहाँ से देखेंगे -3i और 5i ये हो जाएगा 2i और 11j - 5j ये हो जाएगा 6j कैप पॉजिटिव में, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पर ग्राउंड जो है हिडन रहता है हमेशा, ठीक। तो ये दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं, अगर परपेंडिकुलर चल रहा हो तो मैग्नीट्यूड हमें इक्वल रखना है, जैसा कि यहाँ कहा गया मैग्नीट्यूड इक्वल रखना है, तो डायरेक्शन रिवर्स कर देना है, ठीक है। और अगर परपेंडिकुलर नहीं चल रहा हो तो क्या करना है, इस कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना है आई कैप जे कैप के फॉर्म में, और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है केवल उसको रिवर्स कर देना, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व कर सकते हैं।